हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टाइम ड्राइव में एक बार फिर से। बगल में मेरी खड़ी है सिट्रॉन की ऑलरेडी मार्केट में जो गाड़ी मौजूद है C3 एयरक्रॉस। अब इस गाड़ी की हम बात क्यों कर रहे हैं, अब कस्टमर्स को शिकायत थी कि सिट्रॉन जो है अपनी गाड़ियों में फीचर्स में काफ़ी कटौती करता है और कुछ बेसिक फीचर्स भी इनकी गाड़ियों में देखने को नहीं मिलते हैं। तो उस शिकायत को दूर करने के लिए सिट्रॉन ने यहाँ पर अपनी C3 एयरक्रॉस और C3 जो है यहाँ पर कुछ फीचर्स उसमें ऐड ऑन किए हैं। तो क्या क्या फीचर्स ऐड ऑन हुए हैं इन दोनों गाड़ियों में, बात करने वाला हूँ उन सभी की मैं आपसे इस वीडियो में। अब ओवरऑल डिज़ाइन वगैरह है सब कुछ जो सेम है, वहाँ पर कुछ चेंज नहीं हुआ है। फ्रंट में आप देखेंगे सिट्रॉन का लोगो वगैरह है, पियानो ब्लैक एलिमेंट देखने को मिलते हैं, सिल्वर टोन में आया स्किट प्लेट दी गई है। लेकिन एडिशन जो हुआ है यहाँ पे आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलेंगे जो कि पहले यहाँ पर मिसिंग थे। सेम वाई शेप DRL यहाँ पर इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा साइड प्रोफाइल पे आए तो यहाँ पर भी आपको अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन वगैरह सब कुछ सेम मिलेगा। सेंटर में सिट्रॉन का हब दिया गया है, व्हील हब दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो है आपको जो ORVMs हैं अब आप इनको अंदर से ही इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक एडिशन इन टर्म्स ऑफ फीचर्स सिट्रॉन की C3 एयरक्रॉस और C3 में हुआ है। साइड में ऑफकोर्स डिज़ाइन वैसा ही है, कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन अंदर कुछ और एडिशन्स हुए हैं। चलते हैं अंदर, क्या वो एडिशन्स हुए हैं बात उनकी करते हैं। अब जो मैं पावर्ड या इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड ORVMs की बात कर रहा था तो यहाँ पर अब उनको एडजस्ट करने के लिए ये नॉब दिया गया है, तो इनसे आप उनको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर पावर विंडोज़ के जो बटन हैं वो पहले सिर्फ दो फ्रंट रो के पैसेंजर्स के दिए गए थे, लेकिन चारों अब यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं। दो पीछे थे, दो आगे थे, लेकिन अब चारों को यहाँ पे ड्राइवर साइड में भी दे दिया गया है। तो ये भी एक नया एडिशन यहाँ पर हुआ है। इसके अलावा फीचर को लेकर 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड देखने को मिलेंगे, ऑल सीट बेल्ट रिमाइंडर आगे पीछे की रो के लिए देखने को मिलेंगे, सेफ्टी को लेकर कुछ एडिशन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अब यहाँ पर जो एडिशन हुआ है वो है इसमें अब आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है, जो कि मुझे लगता है काफ़ी बेसिक चीज़ है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एटलीस्ट इस सेगमेंट की गाड़ियों में अब सब में मिलता है, तो यहाँ पर वो मिसिंग था, तो यहाँ पर भी वो सिट्रॉन ने इसमें अब ऐड कर दिया है। स्क्रीन वगैरह का साइज़ सब कुछ सेम है, फीचर्स वगैरह सेम है। यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसका भी साइज़ सेम है, कोई वहाँ पर एडिशन या चेंजेस नहीं हुए हैं। यहाँ पर जो है एक और चेंज हुआ है वो है ये स्लाइडेबल आर्मरेस्ट भी यहाँ पर सिट्रॉन अब इसमें दे रही है C3 एयरक्रॉस के अंदर। हालांकि ये जो आर्मरेस्ट है C3 में नहीं दिया गया है, इस C3 एयरक्रॉस में ये सिट्रॉन हालांकि दे रही है। इसके अलावा अब रियर सीट पैसेंजर्स के लिए भी एक एडिशन हुआ है, जो पहले AC ब्लोअर वगैरह यहाँ पे वो दिया हुआ है ऑलरेडी, अभी भी है, लेकिन जो पहले AC की हवा थी वो इनके थ्रू ब्लो होकर पीछे जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए आती थी, लेकिन अलग से अब यहाँ AC वेंट्स भी देखने को मिलेंगे। USB चार्जिंग पोर्ट्स भी दो दिए गए हैं, USB A है, एंड यहाँ पे उनको एडजस्ट करने के लिए ये यहाँ पे कुछ इस तरह से मामला देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो है सनरूफ वगैरह अभी भी नहीं है, वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन नहीं है या पावर्ड सीट्स का ऑप्शन इन केस आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो फीचर्स हालांकि अभी भी इस सिट्रॉन की C3 एयरक्रॉस या फिर C3 में देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन ये कुछ नए एडिशन हुए हैं, कुछ नए फीचर्स सिट्रॉन ने अपनी दोनों गाड़ियों में C3 एयरक्रॉस और C3 में यहाँ पर सिट्रॉन इनको लेकर आई है। अब एक फाइनल बहुत छोटा सा एलिमेंट जो ऐड हुआ है, आपको जो ग्रैब हैंडल्स हैं यहाँ पे पैसेंजर के लिए फ्रंट ड्राइवर और रियर के लिए भी देखने को मिलते हैं, तो ये भी कुछ एडिशन छोटे से हैं बट हुए हैं इन दोनों गाड़ियों के अंदर। तो यहाँ पर ये कुछ अपडेट्स इन सिट्रॉन की दोनों गाड़ियों C3 और C3 एयरक्रॉस में आपको देखने को मिलेंगे, ये फीचर्स को जो ऐड ऑन करे गए हैं। अब कीमत की बात करूँ तो वहाँ पर सिट्रॉन ने अभी कीमत कोई अनाउंस नहीं की है। क्या एडिशन इन टर्म्स ऑफ प्राइस होने वाला है उसकी अनाउंसमेंट सिट्रॉन कुछ टाइम बाद करेगा या बसाल्ट के लॉन्च के आसपास शायद कर दे। सो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दीज एडिशन जो सिट्रॉन ने अपनी इन दोनों गाड़ियों में की हैं, यू टेल अस। वीडियो कैसा लगा वो ही बताइएगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, एंड ऐसे ही और कॉन्टेंट को देखते रहने के लिए टाइम्स ड्राइव को सब्सक्राइब एंड फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।